कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिमर्धा गलवार को लोकसभा क्षेत्र परबतसर के दौरे पर रही, जहां विधायक रामनिवास गावड़िया, लाडनो विधायक मुकेश भाकर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे स्थित श्रीराम होटल पर स्वागत समारोह किया। इस दौरान ज्योतिमर्धा मीडिया से रूबरू हुई और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। साथ में भाजपा से खींसर विधायक हनुमान बेनीवाल के गठन पर कहा कि जो भाजपा को खुले मंच से गालियां देते थे, वो ही अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया कि मैं गठबंधन करूंगा, हालांकि वो एक को कहते थे पता नहीं भूतनाथ और कुछ कुछ नाम दे रखे थे उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से आऊंगा। तो हम पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सब लोगों को यही समझा रहे थे कि भाई भाजपा की भी टीम है। अब ये चीज़ खुले में आ गई और सभी लोगों को चीज़ पता लग गई कि जो हम देख पा रहे थे वो आज सब लोगों के सामने उनका जो पर्दाफाश हो चुका है। पब्लिक उनके बरगलावे में अब आएगी नहीं। पिछली दफ़ा उन्होंने अपना सिक्का चला करके और जो समीकरण बिगाड़े थे जिले के अंदर, इस बार इस तरीके की